कम्युनिटी 70% कम्युनिटी खड़ी करी है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी की हेल्प की है, नहीं थोड़े भाई। अरे बहुत। अभी क्या सीन है उनके साथ वाले जो वो जिनको अभी भी साथ है, कोई रील डाल रहा रेगुलर, कोई मस्त वीडियो डाल रहा, लेकिन एक दिन निकाल के मिलने नहीं आ सकते वो, मतलब डॉक्टर ने भी एक टाइम मरने की हालत में वो आईसीयू में बोल भी रख दिया था ना हम लोगों को कि फैमिली मेंबर जो भी हैं बुला लो। डॉक्टर ने ये तक बोल दिया था जो लोग हैं बुला लो, तभी तो हमारे आंसू नहीं रुक रहे थे। वो तो खुद का हिम्मत, उनके हिम्मत से। तो गाइस ज्ञान भाई का एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन आप लोग के विशेष की वजह से अब वो धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं, और इस एक्सीडेंट की वजह से फ्री फायर कम्युनिटी के बारे में बहुत कुछ पता चल गया है ज्ञान भाई को। क्योंकि यूजी आयुष भाई ने आज एक वीडियो डाली थी अपने चैनल पे, जिसमें वो बता रहे थे कि ज्ञान भाई के जितने भी क्लोज फ्रेंड थे उनसे मिलने नहीं आए थे, और बल्कि ज्ञान भाई के जो बहुत ही ज्यादा करीब थे वो भी उनसे मिलने नहीं आए थे। और आयुष भाई ने ये भी कहा कि ज्ञान भाई उन लोग के पास कॉल भी किए थे, लेकिन वो लोग कोई ना कोई बहाना बनाकर नहीं आए थे। तो आप इस फ्री फायर कम्युनिटी समझ ही सकते हो कि कितनी ज्यादा मतलब ही है। लेकिन इस बुरे टाइम में उनको अपने अच्छे दोस्तों का भी पता चल गया, जैसे कि टोंडे भाई, सुनीता और आयुष। तो अब आप ये क्लिप देखिए। रीजन ये है कि हमने डॉक्टर्स ने कहा था ये बहुत जल्दी रिकवर कर रहे हैं, तो मेरा काम यहाँ पे ये है कि ज्ञान भाई के आसपास पॉजिटिवनेस वो करना, स्प्रेड करना, ठीक है। वो तो खुद भी पॉजिटिव ही है, बहुत ज्यादा खतरनाक, बहुत भाई वो बंदा टोंडेदार। मैं आज ही देखा सैड, पता है आज ही देखा मैंने सैड ज्ञान भाई को, उसने उतना सैड होता है ना, या फिर दर्द के वजह से थोड़ा बहुत होता है ना वो होते थे दवाई के वजह से, आज वो एक ये हो ऐसा हो गया ना, आज देखा मैंने बहुत ज्यादा वो। तो मेरा काम सही है ना, हंसाते रहो ज्ञान भाई को, होता ना। और मतलब डॉक्टर ने बोला था कि आप इनको जितना मतलब खुश रहे, खुश रहे या लोग मिलने आए तो उनको बहुत खुशी मिल रही है। तो मेरा काम यहाँ पे है, जब भी मैं ज्ञान भाई से मिलने जाता हूँ, मुझे पता है मेरे को अंदर से बहुत, हमको बहुत दुख हो, दुख हम लोग अकेले कहीं भी रहते हैं तो ये रिग्रेट होता है कि कुछ काश कुछ और हो जाता, काश मेरे 10 मिलियन अब ना होते, या काश कुछ और हो जाता, लेकिन काश मिले नहीं होते, काश ये हो जाता, काश वो हो जाता, यही सोचते रहते हैं। तो गाइस अभी मैं और तोंडे दाई जस्ट ज्ञान भाई से मिल के आए हैं, और मैं बता रहा हूँ गाइस कि फ्री फायर कम्युनिटी सच में अच्छी नहीं है यार। मतलब आज मतलब उनका ऐसा मन था कि कुछ यूट्यूबर बहुत करीब होते हैं, आपको पता होगा उनके बहुत करीब है लोग, तो उनको ऐसा लग रहा था कि ये तोंडे मिलने नहीं आया या आयु से मिलने नहीं आया, मतलब उनको लग रहा था कि ये मतलब मुझसे मिलने आए, ठीक है। लेकिन सबने बहाने बनाए गाइस, सबने बहाने बनाए, मतलब मिलने में ऐसा कुछ वो नहीं है टोंडे भाई, मतलब समझ रहे आप, किसी भी मन मिलने का मन हो, मतलब कभी भी कोई भी टाइम मिला के मतलब आ सकते हैं यार, एक दिन की बात तो होती है, फ्लाइट आ जाता है ये, मतलब आके मिल के भी फ्लाइट में फिर से वापस जा सकते हैं, मतलब ये कुछ वैसी बात नहीं यार, ये तो आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती, मतलब मेरे को सही बताना, जो भी भाई लोग देख रहे हैं यूट्यूबर भाई लोग या जो भी ज्ञान भाई से जुड़े हुए आप लोग, कोई तो स्टार्टिंग से ही है, शुरू से खेलते हैं भी आए हैं, वो बंदे ने मतलब 50% कम्युनिटी 70% कम्युनिटी खड़ी करी है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी की हेल्प की है, नहीं थोड़े दाई। अरे बहुत। अभी क्या सीन है उनके साथ वाले जो वो जिनको अभी भी साथ है, कोई रील डाल रहा रेगुलर, कोई मस्त वीडियो डाल रहा, लेकिन एक दिन निकाल के मिलने नहीं आ सकते वो, मतलब डॉक्टर ने भी एक टाइम मरने की हालत में थे भाई वो। आईसीयू में बोल भी दिया था ना हम लोगों को कि फैमिली मेंबर जो भी हैं बुला लो। डॉक्टर ने ये तक बोल दिया था जो लोग हैं बुला लो, तभी तो हमारे आंसू नहीं रुक रहे थे। वो तो खुद का हिम्मत, उनके हिम्मत से वो बचे। लेकिन गाइस मतलब कम्युनिटी वाले लोग मिल लेते या झूठ ना बोले, बहाने ना बनाए, जो उनके साथ जो उनको अपना मानते मिल लेते, उनको कितनी खुशी होती है। डॉक्टर ने बोला था गाइस कि ये बहुत जल्दी रिकवर कर रहे हैं, बंदा बहुत स्ट्रांग है, और ऐसे इनके सामने खुश रहो, नए नए लोग मिलने आए, जो जिनको ये पसंद करते हैं उनसे मिलाओ। लेकिन एक बंदा आए, कुछ भाई लोग आए, आई भी भाई आए थे, कुछ लोग आए, हमारे डेंट भाई आए, थैंक यू डेंट भाई, मतलब किसी को कुछ वो नहीं है, लेकिन यार एक होता है ना यार, बंदा डेथ बेड पे पड़ा है, लेकिन एक दिन की तो बात है दोस्तों मतलब घरेना ने जिसको सब गाली देते, उन्होंने इस पूरे एक्सीडेंट के बाद पूरे हर चीज पर नजर रखी, अपने मॉडरेटर भेज दिए, पूरा फ्लाइट करके कितने दिनों तक रुके वो, आज गए, ख्याल रखे ज्ञान भाई, कल जाएंगे, गए नहीं है अभी भी वो, ज्ञान भाई का ख्याल रख रहे, ज्ञान भाई के हाथ पकड़ के उन्होंने पोटी कराई, 5 दिन तक पोटी नहीं हुई थी ज्ञान भाई, पोटी नहीं हुई हो रही थी तो वो पेट फूलता जा रहा था, उन्होंने हाथ पकड़ के करवाई, ज्ञान भाई इतने खुश थे। और दोस्तों तुमको और क्या रीजन चाहिए इससे ज्यादा, एक दिन मिलने की बात है उस बंदे को, कितना ज्यादा खुशी मिलेगी। पहले क्या हुआ था भाई लोग, हम लोग जब ज्ञान भाई को मिलने गए थे तो पूरा खुश थे, एकदम खुश, हाथ वाथ मिला रहे थे हमसे, मतलब मजाक मस्ती कर रहे थे, फिर वो क्या बोलते हैं रील बना रहे थे, आप लोगों ने देखा होगा इंस्टाग्राम पे, खुद ही मतलब वो मुझे डालना आयुष, वो जाने नहीं देंगे 3 डेट्स का भाई, मतलब
एकदम होता है ना, बंदा लग ही नहीं रहा था कि भाई ऐसा कुछ हुआ है, खुश एकदम। फिर मतलब एनर्जी में थे एकदम। हाँ, तो ज्ञान भाई फिर इसके अलावा भी किसी को भी, किसी भी नए कोई बंदे को मिलते हैं, उनके लिए कोई आता है तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं, लाइक मेरे लिए आया यार, फिक्र करता है मेरा, कोई है, लाइक कोई है एक्चुअल में, ऐसा होता है। तो और भी भाई लोग होते हैं, हम लोग कॉल में होता है ना, कॉल आता है तो ऐसा बात करा देते हैं। फिर ज्ञान भाई बोलते हैं कि अरे आजा, तुम आ जाओ मेरे लिए मिलने, आ जाओ बोलते हैं, तो फिर कुछ कुछ ना कुछ बोल देते ये है वो है, नहीं लाइक ना आओ फिर भी मन रख दो ना उस बंदे का कि हाँ आ जाएंगे ज्ञान भाई यार आ जाएंगे। उसके बाद में ज्ञान भाई पूरा सैड, उससे बात भी नहीं किए, मतलब दो चार बंदों से बात किया ज्ञान भाई ने, सभी को बोले कि आ जाओ, बट एक ने भी ऐसा नहीं बोला कि हम लोग कितने दिन से है इधर, बात हुआ है। पर उसके बाद ज्ञान भाई ने बात ही नहीं किया, बात करना ही मतलब पूरा वो टाइप के हो गए, लाइक हम कुछ सवाल पूछ रहे हैं तभी बात नहीं कर पा रहे, अभी तक हमको वो चीज चुभ रही है। तो उनको तो मतलब मैं इतने सालों से हूँ यूट्यूब पे, सबको अपना भाई माना हूँ, लगा होगा ना अभी ऐसे मरने के हालात में हूँ तब भी कोई नहीं आ रहा है। गाइस एक पॉजिटिव कमेंट छोड़ना, जितने भी भाई लोग अब तक वीडियो में देख रहे हो, क्योंकि मैंने देखा था ज्ञान भाई आपके कमेंट्स पढ़ रहे थे लेटे लेटे फोन में, तो मैं कल मिला था ज्ञान भाई को फोन, कल ज्ञान भाई को फोन मिल गया था तो सारे कमेंट देख रहे थे। तो इस वीडियो को रात में आके दिखाऊंगा, कमेंट्स पढ़ाऊंगा, तो सब लोग #टाइगर लगा देना और अपना एक कमेंट जरूर से छोड़ देना।